Uh, today, so many big scholars are assembled here. We are, on behalf of National Mission for Manuscripts, I truly take pleasure of welcoming you all. It will be a very good lecture because all scholars are here as a presenter, as a participants, as a listener also. Um, uh, today's sattva lecture is on contribution of arts to the development of consciousness and uh, our uh, speaker today is the professor Rajesh acharya sir would you please come on the stage and take the seat The chairperson of today's lecture will be, we know him very well, he is our own Professor G.C. Tripathi. Sir, please come to the stage and invite you to come to the stage, sir. Uh, I would request our director, Professor Dipti Tripathi, yeah. to take the seat on the dais and introduce both the lecturer and the chairperson mm -hmm. today. Thank you, madam, would you please? Mm -hmm. Manuver, Professor Tripathi आज के वक्ता बंधुवर प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी श्रोतृविंद में विद्यमान सम्मान्य प्रोफेसर लोकेश चंद्र जी और सहृदय श्रोतृविंद ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस तत्वबोध व्याख्यान क्रम में जैसा संघमित्रा जी ने कहा कि केवल वक्ता ही नहीं विद्वान श्रोता भी हमारे पास उपस्थित हैं क्योंकि वक्ता तो सुलभ हो जाते हैं संस्कृत की एक उक्ति है श्रोता तत्र सुदुर्लभ केवल दुर्लभ ही नहीं होते हैं सुदुर्लभ होते हैं तो मैं श्रोतृविंद में विद्यमान समस्त सहृदय श्रोताओं का विशेष रूप से प्रोफेसर लोकेश चंद्र जी का प्रोफेसर जैन का डॉक्टर शर्मा का हमारे पुराने मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नारंग का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। आज के वक्ता का परिचय देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है मुश्किल इसलिए है कि सांख्य में कहा गया है कि प्रत्यक्ष में बाधक तत्व जो होते हैं उसमें सबसे पहला तत्व है अति सामीप्यात अति दूरा अति सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोन ये सारे क्रम गिनाए गए हैं तो अति दूरात भी चीज दिखाई नहीं देती है और अति सामीप्यात भी नहीं दिखाई देती है भाई राजेश्वर जी के बारे में क्या कहूं ये इतने निकट हैं इतने निकट हैं कि इनकी विशेषताओं को कभी जानने या परखने या समझने का अवसर ही जीवन में नहीं मिला आज जब मैंने इनका बायोडेटा देखा तो मन में स्वयं से ये प्रश्न किया कि दीप्ति जी तुम राजेश्वर जी के बारे में क्या जानती हो और मेरे मन ने उत्तर दिया तुम वो जानती हो जो कोई नहीं जानते हैं ये एक अद्भुत प्रतिभा के धनी विशिष्ट ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए और स्वयं संगीत की साधना में सिद्ध व्यक्ति हैं ये इनके बायोडेटा में कहीं नहीं लिखा हुआ है कितने पदों पर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जिस ज्ञान परंपरा से ये जुड़े हुए हैं कुल क्रमागत ज्ञान का जो महत्व होता है वो भारतीय परंपरा को जानने वालों को अच्छी तरह मालूम है तो ये ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा से जुड़े हुए हैं जहां आपके जीन्स में विशेषज्ञता जो है समाहित रहती है संगीत की साधना आपने उस उम्र से की है जब लोगों को बोलना सिखलाया जाता है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जैसे विशिष्ट संगीतज्ञों के आशीर्वाद में आपने संगीत साधना की है साहित्य की साधना अपने पितृचरणों के शीतल छाया में की है मनीमन मन राजेश्वर जी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बोल रही है मैं तो बड़ा ही चपल बालक था मैंने साधना कब की मैं ये मानती हूं कि जितने जीनियस होते हैं वो उतने ही चंचल भी होते हैं एक उम्र तक और कोई ऐसा जीनियस मैंने नहीं देखा है जो स्थावर होता इसलिए मुझे माफ करेंगे अगर मैंने आपकी उस चंचलता चपलता के पीछे जो जीनियस छिपा हुआ है उसको जाना समझा और देखा परिचय में मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि आपका समय बहुत लेना नहीं चाहती हूँ राजेश्वर जी का वक्तव्य उनका परिचय होगा और उससे बढ़कर कोई परिचय नहीं चेतना के विकास में कलाओं के योगदान पर बोलने के लिए जो टूल्स चाहिए वो सब आपके पास विद्यमान है जो विश्लेषण क्षमता चाहिए वो आपको जन्म सिद्ध प्राप्त है और जो प्रस्तुति के लिए विशेषज्ञता चाहिए वो आपके सामने सब प्रमाण उपस्थित हो जाएगी प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी का परिचय क्या दूं? यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे परिचित नहीं है लेकिन एक परिचय जो मैं अक्सर दिया करती हूँ लोगों को उनके बारे में वो इस मंच से कहना भी उचित समझती हूँ मैं उनका परिचय एक ही शब्द में देती हूँ कि ये एनसाइक्लोपीडिया है इतना कहने के बाद उनके सविस्तर परिचय का कोई अवकाश बचता नहीं है क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया में तो सब कुछ होता है तो ऐसे एनसाइक्लोपीडिक विद्वान ने आज की सभा का अध्यक्ष भार ग्रहण करने का स्वीकार किया इसके लिए हम उनके आभारी हैं हम प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य और प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और बिना अधिक समय लिए हुए प्रोफेसर आचार्य से अनुरोध करते हैं कि वो आकर अपने वक्तव्य से हमें आप्यायित आप करें सामाजिक वृंद मैं दो मिनट अपने बोलने के अनगढ़ पन की भूमिका स्थापित करने में लूंगा क्योंकि तो आलाप करने वाला साक्ष्य के बिना कुछ बोलता है तो प्रलाप बन जाता है भारतवर्ष में मध्ययुगीन काल से कुछ परंपरा चली घरानेदार संगीतकारों की स्वतंत्रता के बाद तो शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत उल्लेख मिलता है आत्मा की आवाज है परत्पर तक पहुंचाने वाला है अच्छे अच्छे विशेषण हैं लेकिन शास्त्रीय संगीत के निष्णात विद्वान जिन्होंने मुसोलनी तक को राग पूरी के सुलाया उनकी अंत पीड़ा तक मैंने देखी है ये कुछ कृत्य विशेष करने के लिए संगीतकार बाध्य है उसके बिना उसको शास्त्रीय संगीतकार नहीं माना जाता अन्य कलाओं में अभी आचार्य प्रभल लोकेश जी ने कहा कि ये फाइन आर्ट्स वाली अवधारणा जो है हमारी भारतीय नहीं है किंतु जैसा चल रहा है उसके अंतर्गत साहित्य क्षेत्र में आलोचना और समीक्षा है और कुछ तो आलोचक इतने बड़े हैं कि अगर आपकी आलोचना कर दें तो आप महान हो जाएंगे ऐसे भी आलोचक हैं किंतु संगीत में पांच वर्ष के बच्चे से लेके पचासी तक का वृद्ध उसे कार्यक्रम के बाद कुछ ही शब्द हैं जो उछाले जाते हैं भाव विभोर कर दिया मंत्रमुग्ध कर दिया जादू सिर चढ़कर बोला महफिल लूट ली लेकिन वह कौन सी क्रिया विशेष वह कौन सा स्वर विक्षेप स्वर संयोजन कौन सा कृतित्व तो ऐसा था जिससे यह मनोभूमिका आई यह गायब रहता है न जाने को कलाकार व्यासासन पाने के बाद भी किस प्रशंसा का लोलुप होता है कि वह आलोचना और समीक्षा से डरता है इसीलिए विगत पचास साठ वर्षों की तो कहानी में साधिकार कह सकता हूँ कि अखबारों में हर क्षेत्र की चित्रकला की रंग धर्मिता की आलोचना समीक्षा आप देखेंगे किंतु संगीत की कोई समीक्षा नहीं होती क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में बच्चों को पढ़ाया जाता है गायक के गुण दोष झोंबकी की, निमिल की इत्यादि की, दुर्गुण बताए गए हैं दोष तो जो दोष हैं वह शास्त्र को अशास्त्रीय कह देंगे केवल शास्त्र में इसे दोष माना गया है लेकिन वही गा के भारतवर्ष में ऊंचा से ऊंचा शासकीय अलंकरण पर भी लोगों ने प्राप्त किया है यदि इंटरमीडिएट तक पढ़े बच्चे से कहा जाए कि कनाट प्लेस पर तुलसीदास और कबीरदास में आपस में लाठी चल गई सूरदास बचाने बीच में गए उनका सर फट गया है और चाणक्यपुरी थाने में वो लोग बैठाए हुए है हैं तो साधारण बालक बुला आप क्या बेकार बात कर रहे हैं चार सौ साल पाँच सौ साल पहले तुम कैसे बोल रहे हो अरे मैंने हाई स्कूल में पढ़ा इंटर में पढ़ा है आप इतने साल पहले की बात कर रहे हैं ये क्या तरीका वो आपको अपनी प्रतिक्रिया देगा लेकिन संगीत में बैचलर ऑफ म्यूजिक मास्टर ऑफ म्यूजिक डॉक्टर ऑफ म्यूजिक ये सब होता चला गया कोई बोलने वाला नहीं है मैं स्वयं कह रहा हूँ जो तुम जी अर्जित किया है 20 साल तक विभागाध्यक्ष रहा हूँ मैं मुझे आज भी शास्त्रीय संगीत अच्छा नहीं लगता यदि जो शास्त्रीय संगीत प्रचलित है क्योंकि आप दूसरे को आनंद देने की अवस्था के पूर्व में आपकी मुखाकृति आपकी जो अवस्था है वो क्या व्यक्त पर कर रही है ये, 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 ये जो स्थिति चेहरे की आती है जब आप स्वयं आनंद युक्त नहीं हैं, आप श्रम में विकृति हुए चले जा रहे हैं संत हैं तो आपसे आनंद की उत्पत्ति कहाँ और कैसे होती होगी ये प्रादुर्भाव कैसे होता होगा ये असंभव है और उन्हीं दोषों से युक्त व्यक्ति शास्त्रीय माना जाता है क्योंकि कुछ क्रियाएं हैं जैसे जिम्नास्टिक में है कि इतने फिट ऊपर वो कूदा तो आप उससे एक इंच आगे कूदेंगे तो रेकर टूटेगा उसी तरह कुछ तान है कुछ क्रिया है जो अनिवार्य है संगीत क्षेत्र में महफिल में नीचे से उठाकर संगीत को व्यासासन दिया विष्णुगंबर जी ने और कलाकार को पूज्य ने बनाया पंडित का नाथ ठाकुर ने यह उनकी भी पीड़ा थी कि ध्रुपद थमार गायकी को जो कि तानसेन थे गाते थे उसे लयकारी ने नष्ट किया और ख्याल गायन को तानबाजी ने साठ मिनट के कार्यक्रम में पैंतालीस मिनट तान मारता है अपना नैपुण्य दिखाता है मैं इतने ऊपर गाता हूं मैं इतने तेज गाता हूं मैं 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 की गाथा गाता है जबकि सच्चे सुर लगने के बाद वाह के स्थान पर वाह का हवा हवा होना आवश्यक है जहाँ आह की राह है जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पाते किसी शिशु का हंसना तितली का उड़ना कोयल की कोक पपीहा की आवाज़ जिसे सुनकर हम आह कहते हैं जब हमारे मस्तिष्क फंसता है कि यह कैसे संभव हुआ तब हम वाह करते हैं चमत्कृत होते हैं और जब अनजाने में ही कुछ हम रिसीव करते हैं मार्मिक स्पर्श होता है तो हम रिलैक्स होते हैं आह कहते हैं ये आह की अथाह चाह सबके मन में होती है उन्हें संस्पर्शित करना उस प्राकृतिक सम के द्वारा जिसे हम संगीत का सब तक कहते हैं इसी व्यथा कथा के अंतर्गत अन्य विषयों के पास क्या संगीतकार मंच पर बैठो वाह वाह तलाशो फिर चले जाओ फिर संगीत में दूसरी रा, राह आई लेक्चरर बनो रीडर बनो प्रोफेसर बनो और कोई विश्वविद्यालय हो तो वाइस चांसलर बन जाओ इस दो धारा के अलावा कोई दिशा और इंटरडिसिप्लिनरी में अंतर अनुशासनिक क्रियाओं में दिखी नहीं पीएचडी की कुछ थीसिस दिखती थी कराई गई इसलिए मैं अन्य विषयों के दरवाजे पर गया और जो कुछ भी झोले में मिला थोड़ा 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 अपने विषय को सरस्वती के दोनों हाथ वीणा में लगे हैं पुस्तक तो एक एक हाथ में मा माली हुई हैं लेकिन दोनों हाथ इसका जरूर कुछ विशिष्ट कारण होगा वीणावादन तत्व श्रुति जाति विशारद तालज्ञाप्रयासे न मोक्ष मार्गम निक्षति यह अप्रयासे न क्या है काल को किस प्रकार लिया क्या हम फरमाइशी गा के बाजीगरी कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं इन विषयों की दृष्टि से मैं आपसे साधर निवेदन करूंगा कि एक सिंघावलोकन है दूसरा विहंगावलोकन शेर शिकार मारता है तुरंत नहीं खाता थोड़ी दूर जाता है फिर पीछे पलट कर देखता है मेरे शिकार पे कोई है तो नहीं और विहंगावलोकन में विहंग उड़ता रहता है सब में सबको देखते हुए अपने मतलब का दाल का दाना वो उठा लेता है आप विद्वानों से मेरी प्रार्थना है कि यह जो मैं मधुकरी वृत्ति से जो भी एकत्र कर पाया हूँ वह कलेक्शन है सलेक्शन नहीं है व्यवस्थित नहीं है इसीलिए बगीचे तो बड़े अच्छे अच्छे लगाए जा सकते हैं लेकिन आज तक कोई जंगल नहीं लगा पाया है जंगल प्रकृति ही लगाती है तो आप स्वयं आपकी विद्वत्ता उसमें से आपके मन का रामत्व शबरी के जूठे बेर ग्रहण करें और आपका कृष्णत्व शबरी के बाद सुदामा के चावल स्वीकार कर ले इसीलिए मेरा क्षत मन अक्षत हो पाएगा इसी प्रार्थना के साथ कुछ बिंदुओं पर मैं अपनी संगीत के टेढ़ी मेढ़ी राह से जो लेपि तक जाया जाए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करूँगा इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के का वर्णन करते हुए लोग कहते हैं यह पाषाण काल है उत्तर पाषाण काल है यह धातु काल है और फिर एक काल को कह देते हैं अंधकार काल मेरे विचार से चेतना के पथ पर जाने वाले आ, अंधकार या तमस को ज्ञान के आलोक से आलोकित करते हुए कहीं न कहीं आगे जाते हैं उसे अस्पृश्य नहीं मानते छोड़ नहीं देते तो उस दृष्टि से अगर आज कला का जो स्वरूप है उसे हम चेतना की दृष्टि से जाएं तो मनुष्य ने अपने आप को संस्कारित करने में जो जो प्रक्रिया अपनाई वह आज की किसी कला से कम नहीं थी उसकी जो आत्म की पूरी यात्रा है वह भी किसी क्षर से अक्षर तक की यात्रा भी बहुत बड़ी कलात्मक उपलब्धि मानी जाएगी उसने अब कला का इतिहास कहा जाता है कलाकार कला नहीं बनाता जिस प्रकार लोहार लोहा नहीं बनाता लोहा लोहे से सामग्री बनाता है उसी प्रकार कला का कला के अंतर्गत कृति बनाता है वह कला वाला से कलाकार कहा गया है क्योंकि कला अगर अनंत है तो उसका अनादि होना आवश्यक है तो लीजिए मैं अपनी तोतली वाणी में आपके सामने प्रस्तुत हूँ मेरे प्रलाप में कुछ न कुछ मेरे आलाप में प्रलाप हो आप उसे सुधार लीजिएगा क्योंकि दीप्ति जी को मैं दीप्ति दीप्ति तो कहता था लेकिन न जाने किन औषधियों या किस वनस्पतियों को देख के मेटलर्जी का ज्ञाता ये समझ जाता है कि यहाँ पर यह खनिज होना चाहिए या यहाँ ये यह धातु होना चाहिए इसी दृष्टि से इन्होंने मुझे बुला लिया बोलने के लिए तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि विद्वानों के बीच में जाना है मैं अपनी झोली उड़ेल रहा हूँ आप उसमें से उपयुक्त निकाल लें जो बेकार हो उसे छोड़ दें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं बिग बैंग स्फोट सिद्धांत और अग्नि का गोला था फिर अनंत वर्षा हुई जल जी जल दिखता था फिर जल से ठोस की तरफ यात्रा हुई उसके पूर्व एक काई जैसा हॉरिजेंटल और वर्टिकल की दृष्टि से काई जैसी का आच्छादन और फिर ऊर्ध्वरेता संस्कृति की उत्पत्ति अगर माने तो एक ऊर्ध्वमुखी डंठल का ऊपर होना उसमें द्विदल का आना फिर पानी में गिरना इस प्रकार जलांश का शोषण होना और धीरे 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 वानस्पतिक विकास की जो बात आती है वह पौधे से वृक्ष तक जब तक आती है तब तक यह जैविक विकास अमीबा से ले मनुष्य तक आ चुकता है और यह काल वानस्पतिक काल कहा जाए तो अंधकार में थोड़ी सी रोशनी पड़ सकेगी क्योंकि जहाँ ये कहा जाए कि खोपड़ी से गोलेपन और जांग की हड्डी या पैर की हड्डी से लंबाई लेकर जब खेलना शुरू किया तो उसे लीवर का ज्ञान हुआ इससे पूर्व पूरी तरह जलांश का शोषण न हो पाने के कारण दलदली पृथ्वी में वृक्षों का ही आश्रय मानवीय अस्तित्व ने लिया उसे पूर्णतया मनुष्य कहा जाए या न कहा जाए लेकिन नर मादा तो कहा जा सकता है नर ने कुछ साम्यता और कुछ विषमता देखी मादा में मादा ने साम और विषमता देखते हुए एक दूसरे को घातक न समझते हुए एक दूसरे का साथ ग्रहण किया प्रकृति ने आगे उत्पत्ति की और एक परिवार नाम की चीज गठित होती है इन्हीं वृक्षों का आश्रय लेते हुए उन्होंने चुभन कोमलता लता का आश्रय मचान बांधना किसी डाल का टूटना और उसमें नुकीलेपन को देख के शस्त्र की उद्भावना भी यहाँ से होती है जिसे पाषाण काल में आके शस्त्र इत्यादि गठित होते हैं ऐसी भी कल्पना लोग करते हैं और इस चेतना के सादृश्य की, की दृष्टि से देखा जाए तो महर्षि अरविंद इसे बोटेनिकल कॉन्शियसनेस कहते हैं वह अतिमानस चेतना को प्रमाणित करने के लिए डार्विन के विकासवाद का आधार लेते हैं कि यदि उसे माना जाए तो वानस्पतिक चेतना प्रथम चेतना है यदि उसे निम्नकोट की माना जाए तो वह मोबाइल नहीं है यही उसका अगर दुर्गुण माना जाए तो एक केंचुआ भी चलता है कीड़ा भी चलता है कि हम मनुष्य उसे बराबरी का दर्जा देता है बहुत सारी क्षमताएं ऐसी वृक्ष की हैं कि वह कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन से यह सब खराब परिवर्तन करता है अपना वाटर रिसोर्स खुद खोज लेता है वह जल उद्गम लेता है उसकी एक डाल कटने से दूसरी डाल बन सकती है हम तो बाह कटने के बाद दूसरी बाह नहीं निकाल सकते बहुत सारी क्षमताएं ऐसी हैं इस वानस्पतिक अस्तित्व की जो मनुष्यों में नहीं है इसीलिए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी भारतीय मनीषा इस वानस्पतिक चेतना को आदर देती है सर बोस ने बहुत दिनों बाद ये प्रमाणित किया कि इसमें जीव है हमारी भारतीय चेतना इन्हें पहले से जीव तत्व मानती आई है और आयुर्वेद में वन औषधियों को लेने के पूर्व यह भी आग्रह किया गया है कि अगर आपको वन औषधि चाहिए तो जिस वृक्ष की छाल जड़ कुछ भी चाहिए आप दो या तीन दिन चार दिन पहले जाकर आप आवाहित करें प्रार्थना करें कि मुझे इस व्याधि की चिकित्सा में उसकी निरामयता में आपका यह पक्ष आपकी छाल या आपका मूल उसके लिए लाभदायक है आप कृपया उसे दें मैं तीन दिन या चार दिन बाद आऊँगा आप उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर लें तब वह अंश ज़्यादा लाभदायक होगा इसे हम रूढ़िवादिता मान सकते हैं किंतु आज जब वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद ये देखा गया कि वानस्पतिक चेतना पर स्वरों का प्रभाव पड़ता है तो विश्व की भावमयी भाषा स्वर भाषा है बाद में व्यंजनों के कारण भाषा का वैविध्य प्रकट होता है तो इस विकासवाद की दृष्टि से देखने के बाद हम एनिमल कॉन्शियसनेस की बात देखते हैं पार्शिविक चेतना है। जो मोबाइल तो है किंतु एक थरा तल पर है हमें कहीं न कहीं पांडुलिपि पर आना है मनुष्य वृक्ष से उतरकर धरातल पर आता है चलता है अनुभवों से जो उसे मिलता है उससे उसकी मति निर्मित होती है चुभन का एहसास करता है वह जो परिवार का प्रमुख है मुखिया वो आगे आगे चलता है पीछे पीछे चलता है उसका परिवार उसका बच्चा या उसकी मादा गहन जंगल में टहनियों को छूते हटाते समय जब कांटे की चुभन का एहसास होता है बार बार हाथ पीछे हटाता है फिर हाथ आगे रखता है फिर देखता है कि क्या कारण है यह चुभ क्या रहा है और वो चुभन देखने के बाद वह खड़ा कांटा जो है शूल जो है उसे फिर दूसरी टहनी तोड़कर हटाता है या बाएं, या दाएं, तब उसका निषेध क्रम पूरा होता है और यह मती उसके अनुभव में जब संकलित हो जाती है तो स्मृति का नाम पाती है और इस मति और स्मृति के आधार पर अगले झुंड या अगली स्थिति पर जाने के पूर्व हाथ लगाने के पूर्व ही उसी स्मृति मति की का जो संकलन है स्मृति उसके आधार पर उसकी तात्कालिकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उत्पन्न होता है उस आधार पर वह आगे चलता है और इस इन अनुभवों के तथ्य उसके लिए काम आते हैं जब वह देखता है रात में किसी गुफा का आश्रय लेता है वृक्ष का के खोखले का आश्रय लेता है शीत का समय है पानी नीचे से जा रहा है पाँव उठाता है बच्चे को मादा से लेकर पाँव पर रखने का प्रयास करता है और किसी ऊंचे पत्थर के उस पर पाँव उठाता है उसके बगल से पानी जा रहा है देखता यह क्यों नहीं लग रहा है उसके बाद उसे यह बोध होता है कि यह दो पत्थर के बीच से पानी निकल रहा है आज सिविल इंजीनियरों को किसी बड़े से सेतु के निर्माण के बाद जो संतोष होगा या होता है वह उस मानव को हुआ होगा जब दूसरे दिन दो पत्थर उठा के उस पर एक पत्थर रखा होगा उसकी मति ने यह दो सापेक्षिक किनारों के बीच में इस प्रकार धीरे धीरे यह संस्कार प्रकृति करती गई और निर्माण की ओर अब उसके पास उसका अस्तित्व मति स्मृति तात्कालिक के बाद प्रज्ञा की ओर चलता है उपज्ञा उपज है प्रज्ञा जो है प्रकृष्ट ज्ञान जो है वह प्रकृष्ट होता है तीनों के संचय से और तब प्रभूत प्रतिभा भाषित होती है तो इस दृष्टि से यह व्यक्ति का स्वयं सामने देखना व्यक्ति का सापेक्षिक बिंदु जो है बिंदु किसी में न होकर किसी पर होता है और बिंदु के अगर चार भाग किए जाएँ तो अग्र भाग से पीछे भाग तक जाते भी मिलना वृत्त की निर्मित करता है आगे से चलकर दाहिने को क्रॉस करने से वह चक्र प्रक्रिया से अनंत तक चलता चला जाएगा लेकिन यदि वह आगे से चलकर बाएँ मिल गया तो फिर आकर पॉइंट हेयर बिंदु समाप्त होता है संभवतया दक्षिणी की यात्रा को पॉजिटिव और वाम यात्रा को नेगेटिव इसलिए कहा गया होगा हो सकता है क्योंकि जहाँ से चलकर यात्रा लौट आए यह बिंदु दर बिंदु की यात्रा से जो वृत्त निर्मित होता है मनुष्य के पास भी सीधी जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ से वाम और दक्षिण ये दोनों के एक चौकोल बनता है इसीलिए किसी भी निर्माण के लिए चतुष्कोण और त्रिकोण अनिवार्य है इसीलिए सात स्वर हमें दिखाई पड़ते हैं सात रंग हमें दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अगर हम वृत्त हमारी एनर्जीज जो हैं ऊर्जाएँ जो हैं वह भी हमारी वृत्तात्मक हैं और उन वृत्तात्मक एनर्जीज को धारा को मोड़ने के लिए कोणीयता देना आवश्यक है इस जामित आधार पर ही हम ऊर्जाओं का उपयोग कर पाते हैं इसलिए किसी भी वृत्त को हम आधा काट दें और फिर उसकी केंद्रीयता ढूंढने के लिए आधे के भाग से जहाँ हमारा समाप्त रेखा होती है वहाँ से प्रारंभ में मिला रहे तो उसका आधा केंद्र बनता है और फिर बाएं दाएं करने से जो कि प्लस बनता है और यह चार कोण स्थापित होते हैं और चार त्रिकोण भी स्थापित होते हैं इस प्रकार ये आठ विभाग और धुरी का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मिला के ये पूरे दशमलव का निर्माण होता है संगीत में भी सात हैं बड़ा दुर्भाग्य है कि वैदिक काल हमारा समृद्ध काल है किंतु प्रायः विद्वानों ने यह लिखा कि वैदिक पीरियड में स्वरों का विकास उदात अनुदात स्वरित तीन तक है इसके आगे नहीं है ज्ञान का अनंत प्रवाह जो है उसके व्यासत्व को देखते हुए उसे समास में करने का जो प्रयास है यह साबित करता है कि हमारे यहाँ का विद्वान पहले अहंकार विसर्जित करता है फिर अनंत के मार्ग को सर्जित करता है वह ज्ञान के व्यासत्व को विराट को स्वीकार करता है इसीलिए अपने संक्षिप्त जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे समास का प्रयास करना पड़ता है सूत्र निर्मित हुए पाणिनि ने संभवतया इसी अनंतता में मार्ग के निर्धारण के लिए सूत्र शैली स्वीकार की होगी इसी सूत्र शैली के आधार पर हमारे उदात्त अनुदात्त, स्वरित जो कहा गया उसके स्थान पर यह स्वरित उदात्त और अनुदात्त यह इसकी कुंजी है क्योंकि अनंत स्वर की धारा में हम किसी भी दूरी को नापने के लिए किस कहीं से कहीं तक जब तक स्थापित नहीं करेंगे कोई दूरी नहीं बताई जा सकती इसीलिए षड्ज सा स्थापित करते समय यह हमारी स्व ऋतम ऋतम माने सुव्यवस्था हम अपनी व्यवस्था जहाँ से आरंभ कर रहे हैं वह स्वरित हुआ स्वरितम और उससे जो उठा अपने आप स्वयंभू उदात वह गांधार कहा जाता है और यह सा और ग के बीच में स्वयं गांधार के सा और गांधार के बीच में अनुदात थोड़ा कम करने से यह त्रिक स्थापित होता है सारे फिर एक स्वरित फिर स्थापित करते हैं विभाजक रेखा के रूप में और फिर स्वरित उदात अनुदात इन त्रिकों के द्वारा सात स्वर होते हैं वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम उदय शंकरम हमारे यहां शंकर का शरीर ही नादमय है वो नाद तनु है हम भगवान वाले कॉन्सेप्ट को न माने तो शिव को लाभ वाले कंसेप्ट में तो मान सकते हैं कल्याण की भूमिका में तो मान सकते हैं तो आरंभक रूप में इस शिवता में श्री गणेश करना आरंभ करना सब कुछ है अगर हम आरंभ ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा और श्री गौरी ऊर्जा है तो इस ऊर्जा के रूप में जो त्रिकोण तत्व है चतुष्कोण जो है ऊर्जा का भंडारण है और त्रिकोण उसका एग्जीक्यूशन है उसकी यात्रा है इस दृष्टि से श्री गणेश करते हुए दो त्रिक जो है वह षडानन भूमिका है दिव्यता की सेनापति माना जाता है षडानन यह शिव परिवार पूरी ऊर्जा के संचालन की बात में सही होता है प्रमाणित होता है षडत्व को जन्म देने वाला षड्य कहा जाता है इसीलिए सा मैंने संगीत की चर्चा इसलिए की सर्वप्रथम दृश्यता के आधार पर लिपि जन्म के पूर्व ये दो ऊर्जाएं दृश्य ऊर्जा और शव्य ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा इस दृष्टि से टोनल ऑप्टिक्स की बात कही जाए तो प्रकाशा भावी नाद ज्योति हमारे आदि मानव ने ध्वनि के आधार पर दशा और दिशा का बोध सर्वप्रथम किया अब तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सदम मृत्योरमाम अमितम गय इसकी दार्शनिक व्याख्या बहुत हो सकती है और बहुत है विद्वानों ने की है लेकिन सभी तो एक साथ विद्वान नहीं होते वो उनकी सरलतम व्याख्या क्या कही जाए कैसे किया जाए वो भी बेचारे बैठ के श्रोता के रूप में तो आए लेकिन इतनी बात मीनार जैसा ज्ञान जो हो जाए तो धरातल अगर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बड़ा अकेला हो जाता है तो गमई इंटरप्रिटेशन के दृष्टि से देखा जाए यदि तो ज्यादा आदमी को आराम मिलता है और कुछ समझ पाता है तो तम सबसे बड़ा पहले संकट अंधेरे से डरता है मनुष्य कुछ देख नहीं पा रहा है कहाँ है संकट कहाँ से आ सकता है व्याघ्र कहाँ से आ सकता है हम कितने इसीलिए अग्नि जला के रहते थे तो पहला प्रयास मनुष्य का कि अंधकार के से हट के हम प्रकाश की ओर आए जिसमें हम कुछ देख सकें इसलिए इन त्रिक में तमसो माँ ज्योतिर्गमय प्रथम होगा उसके बाद भोजन उसकी आवश्यकता है किसी तरह उसे जीना है तो असतो माँ सदगमय के पूर्व मृत्यु और अमृतम गमया का सबसे निकृष्टतम सबसे सरलतम अर्थ के हम किसी तरह से जिएं मृत्यु और अमृतम गमया हमारा जीवन अमृत तत्व की खोज ही सब आदिमानव कर लेगा यह संभव नहीं है तो उस पर अगर लागू किया जाए तो यही हो सकता है कि मृत्यु और माम अमृतम गमय और इसके लिए दूसरे को मारता है और वो खाता है लेकिन थोड़ा काल और व्यतीत करने के बाद जब वो देखता है कि क्या यह मारना उचित है क्या और कुछ संभव है इसका भी जीवन उतना महत्वपूर्ण है तब वह असत से सत की ओर प्रयास करता है असतो माँ सदगमय इस दृष्टि से यह जो सप्तक चला है वृत्त चतुष्कोण त्रिकोण चित्र को पहली लिपि मानते हैं लेकिन वह लिपि है या संदर्भों को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त करने का प्रयास मान्यता है कि बाहर इजिप्टिया कहीं पे ढाई हजार तीन हजार साल पहले लिपि का आरंभ हुआ लेकिन अगर चित्रलिपि की दृष्टि से माना जाए तो भीम बैठका के गुफा चित्र जो हैं वो तो दस हजार साल से ऊपर है तो अगर चित्रलिपि को अगर माना जाए तो भीम बैठका को हम दस हजार साल से पुराना क्यों ना माने किंतु वही पूरी लिपि नहीं है वह जितने जीवन के संदर्भों में उसके रोज के रोजमर्रा के अनुभव हुआ करते थे उसके ओर संकेत करने का एक प्रयास चित्रलिपि से कहा जा सकता है फिर ध्वन्यात्मक धरातल पर क्योंकि आज भी वाकवैलरी से जितना संभव नहीं होता अदर देन वाकवैलरी हम स्वर से व्यक्त करते हैं बहुत कुछ ऐसा है जो स्वर से व्यक्त हुआ है उसे कहने के लिए दो चार पैराग्राफ हमको अलग से लिखना पड़ता है कि बालक से आप कहते हैं जाके बुला लो चाचा जी को लौटने पर पूछा क्या कहा क्या कह तो रहे थे कि आ रहे हैं लेकिन उनकी आवाज से लग रहा था कि आएंगे हाँ नहीं ये जो आवाज से लगने वाली बात है इसे संगीत क्षेत्रों में काकुभेद के रूप में कहा गया है नहीं है नहीं है तो अर्धविराम पूर्ण विराम विस्मय विमोदक चिन्ह इत्यादि से हम अर्थ थोड़े बहुत व्यक्त करते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है तो यह जो इसके पीछे स्वर आभास देता है अर्थों का उसे हमें शब्दों से व्यक्त करने में इसके पूर्व जब मात्र व संकेत करता था मुद्रा से सबसे तो उसके पास मुद्राओं का षडंग की दृष्टि से देखा जाए चित्रकाले के तो वृक्षों के आकार प्रकार नदी का बहना निर्झर किनारे इत्यादि के रूपाकृति उसके पास अध्ययन में थी लेकिन उसके दैनिक प्रयोग में रोज आता था जिससे वो सावधान होता था जिससे उसकी संवेदनाएं प्रेरित होती थीं बाधित होती थी भीत होती थी कुछ मीत होती थी चिड़ियों का कलरव है तो विवादी और अनुवादी स्वरों की दृष्टि से उसका जो ये जो श्रव्यलिपि उसकी सर्वप्रथम निर्मित हुई वह लिपि हुई चार स्वरों तक व्यक्ति बात करता है क्यों और पांचवा स्वर लगते ही साथ व्यक्ति संगीत के धरातल पर चला आता है क्योंकि हम बनारस जा के वर्णन करें कि हम, करें हम दिल्ली गए थे वहाँ पर दीप्ति जी मिली वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने यह विषय रखा और हमने उसमें यह यह कहा तो ये संभव नहीं कि अगला व्यक्ति समझ सके आप रेलवे के अनाउंसमेंट में भी देख लें कि रेलवे का अनाउंसर कभी भी अपने अनाउंसमेंट में यह नहीं कहता कि ट्रेन इतने बजे आएगी या इतने बजे नहीं आएगी या इतने लेट है वह मात्र यह कहता है कि आने की सूचना मिली है पहले आने की विलंब से सूचना वह जिम्मेदार नहीं कहीं आप कानून उसको न पकड़ लें इसीलिए उसके अनाउंसमेंट का स्वर पूरे भारतवर्ष में आप यही सुनेंगे तीन स्वरों दो स्वरों में और तीसरे स्वर को मैं व्यक्त करता उससे प्रभावित व्यक्ति अपर इंडिया अपने निश्चित समय से डेढ़ घंटा लेट आने की सूचना मिली है मुझसे कोई मतलब नहीं पहले आ जाए। अपर इंडिया एक स्वर और कब क्या आ रही है और वही सुन के जो चाहता है कि देर से ट्रेन आए वह सोचता है अरे यार डेढ़ घंटा लेट आएगी वो तीन स्वर हो जाए अरे यार डेढ़ घंटा लेट आएगी और एक डेढ़ घंटा लेट आएगी तो दुख सुख इसलिए व्यक्ति अपने भावों के विविध स्तर के संवेग को यथावत व्यक्त करने के लिए जिन स्वरों का आधार लेता है वह तीन है उतार चढ़ाव के इसी आधार पर क्षर से अक्षर का स्थापत्य बिंदु के बाद जब चार त्रिकोण और चार चतुष्कोण के आधार पर उसके अक्ष विविध अंश देखते हैं तो उन अक्षरों को रूपायित करने के लिए उसकी जो वृत्तात्मक कोणात्मक यात्राएं आईं यही उसके लिपि की तरफ पदार्पण करने का इसीलिए भेद तो बहुत से हैं और हमारा वृत्त जो है त्रिकोण है त्रिकोण और सीधी लेखा रेखा में यात्रा में एक सबसे बड़ी बात आती है कि प्रथम बिंदु से आप जब सीधे चले जाते हैं तो रेखा आपको दो किनारों में दो भाग में बांट देती है किंतु त्रिकोण दोनों भाग को लेकर चलता है इसीलिए दोनों भाग तृतीय बिंदु को अपना विसर्जित कर देते हैं अस्तित्व इसीलिए भाले की नोक जितनी घुसेगी दोनों किनारे साथ साथ जाएंगे इसीलिए यात्रा ऊर्जा की जो होती है वह त्रिकोणात्मक है और ऊर्जा का जो भंडारण है वह चतुष्कोण है और पूरा कक्ष अपना निर्मित करने के लिए आवास के लिए जब होता है तो वह षणानंद भूमिका आती है चार दीवारें एक छत एक फर्श तभी कोई कमरा बन सकता है और यह व्यक्ति अपने अस्तित्व से जहां वह बिंदु देखता है वह त्रिकोणात्मक देता है बाएं दाए किनारे इसी आधार पर वह वृत्त का चतुष्कोण का अनुपात देखता है और अनुपात के आधार पर निर्मित आगे चलती है और यही उसका आविष्कार परिष्कार से आगे रूपाकार देता है लिपि को एक प्रश्न आता है मन में कि यह पांडुलिपि शब्द अपने अभिलेख हैं या जो ग्रंथ हैं प्राचीन उसके लिए जो दिया गया है आप सब विद्वान हैं मैंने कुछ लोगों से चर्चा की तो मैंने कहा पांडु शब्द इसके साथ क्यों संलग्न है एक विश्रुत विद्वान है मैं नाम लेना नहीं वो सब लोग जानते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं मैंने उनसे भी आने के पूर्व पूछा कि ये पांडु शब्द जो लगा है तो वह महाभारत में एक ने बंद कर ली तो धृतराष्ट्र की माता हुई और एक पीली पड़ गई इससे पांडव आगे रूढ़ कही जाए तो दुशासन के जवाब में द्रौपदी और अंधत्व के लिए धुषरा धृतराष्ट्र द्र, द्र, जिस प्रकार प्रचलित हो गया तो पंचत्व के लिए हो सकता है कि पांडवत्व क्योंकि पांच पांडव थे तो पंचतत्व को समाहित करके चलने के लिए या शब्दकोश में तो यही मिलता है कि प्रकाशन के पूर्व मुद्रण के पूर्व जो हस्तलिखित प्रति इत्यादि हुए पांडुलिपि है और उन विद्वान ने ये कहा कि हो सकता है कि भोजपत्र के पुराने पड़ जाने से वो पांडु पीलेपन पर आ जाता है इसीलिए पांडुलिपि कही जाए तुमने कहा फिर लिपि क्यों कही गई पांडु ग्रंथ क्यों नहीं खरोष्ठी ब्राह्मी ये लिपि है पांडु तो कोई लिपि नहीं है वो ग्रंथ है तो इस तरह से वैचारिक क्रम में कुछ संज्ञाभेद से है या विशेषण है या उसका सार्थक अर्थ है क्योंकि बहुत से सारे शब्दों का हम लोग निर्वाह करते जाते हैं ये संभ्रांत परिवार के हैं कहते हैं वो आदमी प्रसन्न होता है कि ये संभ्रांत परिवार के हैं लेकिन हम सामान्य बुद्धि में ये आता है कि सम्यक रूपेण भ्रांत इति संभ्रांत क्या ये अच्छी तरह से भ्रांत हैं तो कुछ बुरी तरह से भ्रांत होते होंगे तो हो सकता है मध्यम वर्गीय जीवन पद्धति जो है कि बाहर हमको उच्च वर्ग के समान रहना है और उसे मेंटेन करने के लिए घर में निम्न वर्ग के समान रहना है न हम इधर के हैं न उधर के हैं ये सम्यक रूपेण भ्रांत हैं विंडो शो करते हैं इत्यादि तो मानवीय यात्रा की हम जब बात करते हैं तो बोटेनिकल कॉन्शियसनेस एनिमल कॉन्शियसनेस तो विकास दिख रहा है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसके बाद आई वह ऊर्ध्वरेता संस्कृति में आई वो दो पाँवों पर चली सब तो बराबर से चल रहे थे तो इस आधार पर महर्षि अरविंद कहते हैं कि जब यहाँ तक का विकास दिखाई पड़ता है तो अतिमानसीय सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस भी अवश्य होगा और अगर सुपरामेंटल कॉन्शियस है तो डिवाइन कॉन्शियसनेस भी जरूर आएगी और हमारे यहाँ तो इन अक्षरों को आगम और तंत्र की दृष्टि से ये ब्रह्मस्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में अक्षर ओम प्रेम ओम में पूरे शून्य और वृत्त की और बिंदु की सारी कहानियाँ अंतर्निहित हैं आप विद्वानों के आगे उसकी व्याख्या करके मैं कहीं से आलोचना नहीं होना चाहता छोटे में बड़ी बात होगी किंतु इस सप्तक वेद में सात ही रंग हैं सात ही स्वर्ग हैं जो किसी को रूपाकार देने के काम आते हैं जिनकी यात्रा बिंदु से वृत्त के बीच में चलती है यही वृत्त हमें चतुष्कोण भी देता है त्रिकोण भी देता है लिपि संगीत से और लिपि हमारी जो है उस चित्रात्मक जो हाथ में तुलिकाई या छड़ी आई तो निवारण भी किया और इसीलिए सारी भाषाओं में निषेध के लिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि काटा उसने इधर हटाया या इधर हटाया तभी बचा और स्वीकार के लिए हम हाँ करते हैं तो सारी भाषाओं में सारी लिपियों में कहीं ना कहीं से एकता है और आज जितनी पुरानी लिपि हमें मिलती है उन्हें संयोजित पक्ष से विश्लोष विश्लेषित अगर कर लें हम तो उसमें कंपोजिशन की दृष्टि से चित्रमयता मिलती है और हमारे चेतना के विकास में अभी विद्वत प्रवर से बात हो रही थी तो नित्य प्रतिशिल्प के द्वारा पुराने कला के वर्गीकरण में जो बात कही गई है तो वह कुछ भी छोड़ा नहीं गया उसमें अंततोगत्वा कास्टिक कास्मेटिक सर्जरी तक की उद्भावना उसमें आपको मिल सकती है उनसठ तक पदार्थ से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ की यात्रा केंद्र में जाके समाहित संयोजित होना संयोजन की गति और विस्फियोजन की गति यह